आदरणीय साथियों, मैं जब नाइन्थ स्टैंडर्ड में था तो महाकवि मैथिली शरण गुप्ता की एक कविता पढ़ी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और फिर शरद पूर्णिमा का दिन हो तो ये जो चारु चंद्र की चंचल किरणें सब तरफ किस तरह से खेलती हैं और किस तरह से स्वच्छ चांदनी जो है वो अवनी और अंबर तल में बिछी हुई होती है, हम सब जानते हैं। शरद पूर्णिमा का शारीरिक मानसिक उपचार और उपासना की दृष्टि से काफी महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। हालांकि विज्ञान की दृष्टि से इसके महत्व को या ज्योतिषी महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। इसका विज्ञान की दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है और औषधि दृष्टि से भी और ज्योतिषी दृष्टि से भी इसका काफ़ी महत्व है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत समा जाता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माँ लक्ष्मी का जन्म इसी दिन हुआ था। साथ ही भगवान कृष्ण ने गोपियों संग वृंदावन के निधिवन में इसी दिन रास रचाया था। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर रात भर अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता रहता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास में होता है, लिहाजा उसकी किरणें बेहद प्रखर और चमकीली होती हैं। इनको धरती के लोगों के लिए कई मायनों में प्रभावकारी और लाभदायक माना गया है। ये किरणें सेहत के लिए काफी लाभदायक हैं। शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता, औषधियों की गुणवत्ता अधिक होती है और रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तब रिक्तिकाओं में से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। कम वस्त्रों में आप चंद्रमा की किरणों के सामने बैठ भी सकते हैं। चांदनी रात में अपनी छत पर सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रहण होता है और बसंत में निग्रह होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा की चंद्र किरणों का स्नान करना चाहिए। चांदनी में आराम से चंद्रमा की किरणों का जो है वो स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय इसके लिए उपयुक्त रहता है। चंद्रमा पूर्णता का प्रतीक है। पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा खिलता है वो पूर्णता का प्रतीक है। पूर्णिमा के दिन जब आकाश में पूरा चंद्रमा होता है, ध्यान, कायोत्सर्ग, योग, प्राणायाम व ईश्वरीय उपासना की क्रियाएं विशेष लाभप्रद होती हैं। इसी दिन ब्रह्मांड में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। पूर्णिमा को जिस प्रकार चंद्रमा पूरी तरह खिला रहता है और ज्योत्सना व शीतलता से लबरेज रहता है, व्यक्ति का स्वयं का ऑरा आभा मंडल भी पूरी तरह विकसित होता है। जो आपका ऑरा है, जो आपका आभा मंडल है, वह भी पूरी तरह से विकसित होता है। मस्तिष्क अथवा दिमाग से हमारा अभिप्राय व्यक्ति की चेतना, भावना और कामना। चंद्रमा की कलाएं न केवल पृथ्वी, जल, आकाश, तेजो तेजो व तत्व, अग्नि व वायु को प्रभावित करती है
बल्कि मानव मस्तिष्क को भी सीधे सीधे प्रभावित करती है। चंद्रमा के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, परामनोवैज्ञानिक, ज्योतिषीय एवं गणितीय महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। आज की जो सारी मैथ से जितनी भी साइंस है और उसमें चंद्रमा का जो ये पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा का महत्व और चंद्रमा की जो कलाएं हैं, 16 कलाएं, उनसे उनके महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। पूर्णिमा के दिन रेकी हीलिंग जो हम करते हैं, हमारी चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा है, उन क्रियाओं का स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष प्रभाव होता है। पूर्णिमा के दिन दिमाग भी हल्का रहता है और व्यक्ति के आभामंडल में उसकी प्रकृति व भावनाओं के अनुरूप तरंगे अनवरत रूप से बहती रहती हैं। विभिन्न धर्म शास्त्रों में ऐसे कई सूत्र हैं और सौरमंडल में ऐसी कई सकारात्मक सात्विक ऊर्जा तरंगे हैं जिनके माध्यम से सामान्य साधना द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा सकता है और व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। जैन सूत्रों का विशेष विधि से उच्चारण, जैन धर्म में शक्रस्तव नमोत्थणम, लोगस्य भक्तामर स्त्रोत, उवसगर स्त्रोत, नमोकार मंत्र आदि कई ऐसी साधना विधियां हैं जिनकी उपासना से उठने वाली तरंगे सौर मंडल में यत्र तत्र फैली हुई अरिहंतों की ऊर्जा तरंगों तक पहुंच सकती है। अरिहंतों की सेवा में लगे कई देवी देवताओं और सिद्धियों को ये तरंगे प्रभावित कर सकती है जिनसे हमारे कष्टों का निवारण संभव है। हमारी भाव तरंगे और विचार तरंगे उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। आज हम जो कुछ भी हैं या हम जो कुछ कर पा रहे हैं हेल्थ केयर सेमिनार के माध्यम से, और कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि कोई बहुत ज्यादा पीड़ित व्यक्ति है तो 5-10 मिनट में उसको बहुत आराम दे दिया, ये सब इस पूर्णिमा की ही करामात है। बहुत सारी बातें हैं, उनको सबको यहाँ नहीं बताया जा सकता सार्वजनिक रूप से, लेकिन वेदों की ऋचाओं, उपनिषदों और पुराणों में भी इस प्रकार के कई सूत्र हैं और उनकी साधना की कई प्रकार की विधियां हैं। यदि व्यक्ति निष्काम भाव से उनकी साधना करे तो वह कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। समुद्र में होने वाला ज्वार भाटा चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही होता है, सबसे बड़ा प्रमाण है। पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है और अमावस्या के दिन भाटा, यानी समुद्र नीचे खिसकता है और पूर्णिमा के दिन समुद्र ऊपर की ओर बढ़ता है। चंद्रमा पानी को अपनी ओर खींचता है। मानव शरीर और मस्तिष्क में भी पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पूरी तरह वैज्ञानिक है। वह क्या है, किस प्रकार इस शक्ति से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और सौरमंडल के सभी ग्रह नक्षत्र बंधे हुए हैं और परिभ्रमण करते हैं, इसे समझना चाहिए। यह भी कि मानव व अन्य जीवों पर इसका किस प्रकार प्रभाव होता है, इसके मद्देनजर भी हम अपनी उपासना का क्रम बना सकते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल के तारे आदि सभी ऊर्जा तरंगे छोड़ते हैं, लेकिन इन सभी तरंगों में सर्वाधिक प्रभावशाली तरंगे चंद्रमा की होती है, जो इंसान ही नहीं जानवरों के दिमाग को भी प्रभावित करती है। ये तरंगे व्यक्ति के चेतन मन को ही नहीं अवचेतन मन को भी प्रभावित करती है और कई कई जन्मों के संस्कारों को व्यक्ति के चेतन मन पर ला देती है। इसे सही या गलत दिशा देना व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि वह शुभ भावों से युक्त होकर ध्यान, कायोत्सर्ग अथवा ईश्वरीय उपासना करता है तो उसे सकारात्मक ऊर्जा तरंगे मिलती है जिसके मनोवांछित शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आप भी कल शरद पूर्णिमा के महत्व का लाभ उठाएं इसी शुभ भावना के साथ में। धन्यवाद।